वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो माशाल्लाह से आज फोर्थ रोज़ा है और सहरी हम लोग ने कर ली है। अभी दोपहर के 2 या 2:30 बज रहे हैं। मैंने जोहर की नमाज़ अभी पढ़ी है, बच्चों को खाना दिया है और अभी मैं 12वां पारा पढ़ रही हूँ। तो जल्दी से पारा पढ़ूँगी और आज मैं आपके साथ माश के दही बड़े की रेसिपी शेयर करूँगी। तो माश की दाल को भी मैंने भिगा कर रख दिया है, अभी भिगाया है, तो 5 बजे तक मैं उसे ग्राइंड करूँगी। जो भी होगा आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मैं अपना पारा कंप्लीट करती हूँ, देन उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं आ गई हूँ अभी किचन में। असर की नमाज़ मैंने पढ़ ली है तो मैं यहाँ पर माश की दाल भिगा कर रखी थी। अभी मैं इसे पीस लूँगी क्योंकि अभी 5:30 हो रहे हैं, तो अभी 1-1.5 घंटे का टाइम है। तो जल्दी से बना लेते हैं हमारे दही बड़े। तो ग्राइंडर में जस्ट डालकर मैं इसे पीस लूँगी। यहाँ पर मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, तो इसे बोल में निकाल लूँगी। एक बर्तन में हम इसमें निकाल लेंगे और इसमें मैं क्या क्या ऐड करती हूँ आपको बताती हूँ। थोड़ा सा नमक आपको टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करना है और अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी लाल मिर्च ने तो काली मिर्च का पाउडर, तो मैं लाल मिर्च इसमें ऐड करूँगी। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, तो पहले सब निकाल लेंगे। सो इसमें नमक ऐड करूँगी टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा सा ही नमक ऐड करूँगी। और तो 1 पिंच इतना मैं सोडा ऐड करूँगी, इतना लाल मिर्च पाउडर। तो ये हमारा बैटर रेडी है। मैं इसे रख दूंगी 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए, जब तक हम इसका दही बना लेंगे। और साथ ही मैं आज आलू के भजिए बनाऊंगी और प्याज की पकौड़ी भी फ्राई करूंगी, तो उसके लिए भी मुझे बेसन को प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर पहले मैंने दही मंगाया था, तो दही बोल में निकाल करके दही बना लूंगी। उससे पहले मैं अपना हैंड वॉश कर लूँ। कुछ ज़्यादा कुछ खास ऐड नहीं करती हूँ, जस्ट थोड़ा सा नमक और हरी मिर्च और कोथमीर को दोनों को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, पीस लूँगी करूंगी। और 2-3 हरी मिर्ची ऐड करूंगी और साथ ही थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर इसे अच्छे से पीस लूंगी। अभी दो लेकर, अभी एक आलू भी लेकर, एक हरी मिर्ची एक आलू, तो ये बहुत ही इजी हो जाता है। जब भी मुझे बनाना होता है दही बड़े, तो मैं इसी में ही डालकर पीस लेती हूँ, जो कि जल्दी से पीसे भी जाता है और एक ही बार में यूज़ में भी आ जाता है। तो इसे हम पीस लेकर इसे फेंट लूँगी लाइट सो, और इसमें मैं थोड़ा सा ही पानी ऐड करूँगी, क्योंकि ज़्यादा पानी ऐड करूँगी तो काफ़ी पतला हो जाएगा, फिर पतला हो जाएगा तो अच्छा नहीं दिखता। तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पनीर का पेस्ट भी रेडी है, तो मैं इसमें ऐड करूँगी एंड इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब पानी इसमें ऐड करूँगी एंड ये हमारा दही बड़ों का दही भी रेडी है, तो इसे हम साइड पर रख देंगे। मैं बेसन को भिगा दूंगी क्योंकि आलू के भजे भी बनाऊंगी और साथ ही प्याज की पकौड़ी भी बनाऊंगी, तो बेसन को भिगाएंगे इसके लिए। तो यहाँ पर मैं ये 2 कप उतना बेसन ले लूंगी। थोड़ा सा नमक हम ऐड करेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच उतना, एंड 1/2 चम्मच उतना हल्दी पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 चम्मच और थोड़ा सा 1 पिंच आपको, 1 पिंच उतना आपको बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा ऐड करना है। बेसन को अच्छे से मिक्स कर लिया है एंड थोड़ी सी रनी कंसिस्टेंसी मैंने रखी है क्योंकि आलू के पकौड़ों में थोड़ा सा ऐसे ही अच्छा लगता है, तो इसे मैं रख दूंगी साइड पर और आलू को छीलकर आलू के स्लाइसेस कट कर लूंगी। तो यहाँ पर मैं आलू को छीलकर आलू के स्लाइसेस बना लूंगी छुरी की मदद से ही। तो यहाँ पर मैंने आलू के स्लाइसेस बनाकर रेडी रख लिए हैं, तो ये भी रेडी हो गया है। जस्ट मुझे अभी प्याज कट करना है पकौड़ी के लिए और टैंक बना लूंगी, तो मैं पहले प्याज कट कर लूंगी, तो इसे हम निकाल लेंगे पहले।
भिगा कर रखा है, ये 5-10 मिनट में अच्छे से फूल जाएंगे, तब तक मैं शरबत बनाती हूँ। तो आज टैंग भी बनाऊंगी और ये दूध वाला शरबत भी बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने ठंडा दूध ले लिया है, तो जल में ही यहाँ पर दूध को डाल दूंगी। साथ ही इसमें मैं ऐड करूंगी रुआबजा आपको ऐड करना है। ये बहुत ही प्यारा सा एक शरबत बनकर रेडी होगा। थोड़ा सा रुआबजा इसमें ऐड करेंगे और चीनी ऐड करना है। मैं शक्कर ऐड करूंगी थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में, एंड इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे एंड इसमें पानी ऐड करेंगे। और जब भी आपको सर्व करना है इसमें ठंडा आइस क्यूब डाल ले और ठंडा पानी मिक्स कर ले। पहले शक्कर अच्छे से घुल डिजॉल्व हो जाए, मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर का ये एक मोहब्बत शरबत रेडी है। इसमें आप तरबूज भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख ही सकते हो मैंने अभी अभी भिगाया था ये सब्जी के बीज, ये अभी थोड़ी देर में अभी अच्छे से फूल जाएंगे, तब तक मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और इसमें पानी भी ऐड करूँगी, ऐड करेंगे तो इसे यहाँ रखते हैं। और साथ ही मैं टैंग भी बना ले, मैं तेल रखकर गरम के लिए रख दिया है। तो पहले मैं ये आलू के भजिए फ्राई करूंगी, क्योंकि आलू जो है काला पड़ जाएगा। तो पहले हम आलू के भजिए फ्राई करेंगे, देन इसके बाद बिस्मिल्लाह। भजियों का जो बेसन था मैं इसी में ही प्याज ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा खाली धनिया ऐड करूंगी, थोड़ा धनिया एंड जीरा पाउडर ऐड करूंगी और हरा धनिया भी थोड़ा ऐड कर इसमें डालूंगी। और ये ऑलमोस्ट हमारे ये वाले रेडी हैं, धनिया पाउडर, थोड़ा सा ही बेसन था, प्याज ज्यादा है तो ऐसे ही चाहिए हमें। पकौड़ी अच्छी अगर क्रिस्पी चाहिए तो आपको प्याज ज्यादा क्वांटिटी में लेना होगा और बेसन आपको थोड़ा सा कम क्वांटिटी में लेना होगा। सारा चीजों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी और बस ये हम थोड़े थोड़े इसमें फ्राई करेंगे इस तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार हो गया है, नमाज भी मैंने पढ़ ली है और अभी डिनर बनाना बाकी है। चाय बनाऊंगी, चाय पीऊंगी। तो होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।